जायदाद मांगने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ और वस्तु पदार्थ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। वो वोट जिस वोट से 125 करोड़ इस देशवासियों की किस्मत सुधरनी है। और हमारे साथ खुद साक्षी महाराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज पर महाराज जी आपका। ये क्या कहते नजर आ रहे थे मंच से? आपकी शास्त्र में लिखा है कि अगर सन्यासी को वोट नहीं दिया, नाराज कर दिया, तो पाप छोड़कर चले जाएंगे आप। साक्षी महाराज जी, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? नहीं, मैं महाराज जी नहीं बोल रहा हूँ जी। कौन बात कर रहे हैं आप? मैं निजी सच्चे बोल रहा हूँ महाराज जी से, मैं महाराज जी नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो बात हो पाएगी उनसे? मैं तो नंबर दे रहे हैं, उसको बात कर लो आप। ठीक है। तो निजी सचिव के हाथों में फोन पकड़ा दिया गया कि न्यूज के सवालों से डर कर भागे हैं साक्षी महाराज। आपको बता दें कि पहले साक्षी महाराज ने ही फोन रिसीव किया था, और जब के न्यूज के सवालों से सामना करने की बारी आई तो एकाएक अपने निजी सचिव को फोन पकड़ा दिया गया। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, और उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद के न्यूज के सवालों से भागते खड़े नजर आ रहे हैं साक्षी महाराज। क्योंकि जो मंच से कहा था, उसके बाद अब के न्यूज के सवालों का सामना करने की हिम्मत नहीं है। आपको बता दें कि मंच पर खड़े होकर धमका रहे थे वोटर्स को, एकाएक अपने निजी सचिव को फोन पकड़ा दिया गया। के न्यूज के सवालों से भागते नजर आए हैं साक्षी महाराज। इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था के न्यूज ने, और आखिरकार मामला दर्ज हुआ। एकाएक जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो फोन लाइन पर खुद आए तो जरूर, लेकिन के न्यूज के सवालों का सामना न करना पड़े, इसको देखते हुए निजी सचिव को फोन थमा दिया गया। तो मंच से धमका रहे थे वोटर्स को, मतदाताओं को, शास्त्र का हवाला दे रहे थे कि एक सन्यासी को नाराज किया तो पुण्य ले जाऊंगा और पाप आपके दरवाजे पर छोड़ जाऊंगा। और जब इस खबर को प्रमुखता के साथ के न्यूज ने दिखाया तो आखिरकार मामला दर्ज हो गया है साक्षी महाराज के खिलाफ। तो साक्षी महाराज के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। साक्षी महाराज ने वोटर्स को दी थी धमकी, और इसी खबर को प्रमुखता के साथ के न्यूज ने दिखाया है। आपको बता दें कि जिस संविधान की शपथ लेकर सांसद बनते हैं और उसी की रक्षा की बात करते हैं, उसी संविधान को का माहौल उड़ाते नजर आए, वोटर्स को खुलेआम धमकाते नजर आए। और हमारे साथ खुद साक्षी महाराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत के न्यूज पर साक्षी महाराज जी आपका। बताएं जी, मंच पर बोल रहे हैं आप कि सन्यासी को नाराज किया तो पाप छोड़ जाएंगे, पुण्य ले जाएंगे। नहीं, किसी भागवत कथा का आपने उदाहरण दे दिया होगा। हम राजनीति चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रवाद पर, सबका विकास सबका साथ पर, और न्याय सभी को, तुष्टिकरण किसी का नहीं, तीन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, उस पर तो आप लड़ रहे हैं, लेकिन मंच पर क्या बोल रहे थे आप? नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ की बात। अच्छा, आप कहकर भी भूल जाते होंगे, एक बार आपका बयान आपको सुनवा दें। आप एक बार सुन लीजिए, आप अपना बयान तो सुन लीजिए जी। नहीं साक्षी महाराज जी, आपने जो मंच से कहा वो वाकई इस तरह से लगा कि जैसे चेतावनी दे रहे हैं वोटर्स को आप। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आपने बताया तो सही, लेकिन राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन सब के इतर आपने जो मंच से कहा वो दोहराया नहीं ना आपने। तो एक बार आप सुन तो जी, साक्षी महाराज जी सुनेंगे आप आपने क्या कहा था? चुनाव राष्ट्र पर लड़ रहा हूँ, सबका विकास सबके साथ लड़ रहा हूँ।
बिल्कुल, और आप जो सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो प्राइवेट नहीं होता है। आप वोटर्स को जो धमकी देंगे तो उसके लिए सवाल बनता है आपसे, जिम्मेदारी बनती है आपकी, जवाब दें। मंच पर खड़े को क्या कह रहे थे आप? हम उल्टा सीधा नहीं दिखा रहे, जो आपने बोला वही दिखा रहे हैं, और अगर वही उल्टा सीधा है तो आप खुद निर्णय लीजिए। नहीं साक्षी महाराज जी, आपने कहा उल्टा सीधा दिखा रहे हैं, तो आप पहले सुन लीजिए, बहुत संयम रखिए। एक एक सन्यासी एक संत को तो संयम रखना चाहिए, एक संत को तो संयम रखना चाहिए महाराज जी। साक्षी महाराज जी, एक संत को, एक सन्यासी को तो सबसे ज्यादा संयम रखना चाहिए। आप तो अपना संयम खो देते हैं, आप मंच पर भी संयम खोते नजर आए। नहीं, हम तो प्रभावित नहीं कर रहे, आप मतदाताओं के लिए कह रहे थे, वो हम आपको सुनाना चाहते थे, लेकिन आप तो नाराज हो गए। नाराज मत होइए, नाराज मत होइए। आपने किसी मुद्दे पर बात करने के लिए फोन मिलाया और कुछ मुद्दे उठा लिया, ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है साक्षी महाराज जी, वो भी हमें बता दीजिए। जैसे मतदाताओं को आप बता रहे थे कि एक संत को नाराज किया तो पाप छोड़ जाएंगे, तो कैसा होता है वो भी हमें बता दीजिए। हो सकता है किसी पार्टी ने, किसी कैंडिडेट ने आपको खरीदी लिस्ट पर भेज दिया हो और साक्षी महाराज के चुनाव को प्रभावित करने लगे हो, ऐसे चुनाव साक्षी महाराज का प्रभावित नहीं हो सकता है। नहीं, प्रभावित तो आप कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप तो मंच से उसका जवाब देना चाहते नहीं है, लेकिन आप इधर उधर की सब बात कर रहे हैं साक्षी महाराज जी। तो लीजिए, साक्षी महाराज लाइन पर आए तो सही, लेकिन अपने उस बयान के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार करते नजर आए, कुछ भी नहीं बोले। पहले तो इतने अनभिज्ञ बन गए कि वो जानते ही नहीं उन्होंने क्या बोला है, और लगातार जब उनसे कोशिश की गई, एक बार सुन लीजिए, तो नाराज हो गए, आग बबूला हो गए। आप समझ सकते हैं कि जिस शब्दावली को जोश जोश में ही सही